फिलहाल अभी अगला सवाल देखें तो एक सवाल आईटीडी सीमेंटेशन पर, तो अभी अभी हमने बात की थी राजेश गुप्ता जी, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आईटीडी सीमेंटेशन। लेकिन साथ में इन्होंने पूछा है केपीआर मिल के बारे में भी, 3 महीने के नजरिए से केपीआर मिल 3 महीने के लिए। प्राइस तो काफी तेज आ रही है इसमें। देखिए, केपीआर मिल ना मेनली आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में ज्यादा काम करता है। अगर आप बात करें अपैरल टेक्सटाइल या अपैरल्स की बात करें तो केपीआर मिल्स मोस्टली आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट में बेहतर काम करता है, और यही फेवरेबल सेगमेंट भी है जो मैं हमेशा टेक्सटाइल का आपको समझाता हूँ। जो हायर एंड ऑफ वैल्यू चेन, उसमें एक्सपोर्टर्स आएंगे, जो अपरल्स बनाते हैं बेचते हैं वो लोग आएंगे। उस हिसाब से ये सेगमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये बहुत जल्दी ही महंगा भी हो जाता है। तो अभी जो ये ग्रोथ दे रहा है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा तो वैल्यू स्टैंड पॉइंट से हो गया है, लेकिन सेंटिमेंट अच्छा है तो हो सकता है रहे भी। मेरा अंदाजा ऐसा है कि अब ये 690-700 के नीचे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्रीच करेगा तो फिर जो मोमेंटम रैली सब कुछ अपवर्ड्स आई है ये थोड़ी दिक्कत में जाएगी, अदरवाइज ये बना रहना चाहिए इसमें राइज। मेरा ऐसा अंदाजा लग रहा है। जी कितना बताया आपने नीचे लेवल? 690 के आसपास 690, तो 690 के नीचे जाने के बाद ही इसमें कोई दिक्कत होगी। लेकिन एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन इसमें पूरा हो गया है, तो वैसे में क्या एक उसका रिएक्शन नहीं आएगा, कोई एक छोटा करेक्शन आगे फिर? नहीं आना चाहिए, 100% आना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ 690 के नीचे क्लोज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो 650, 640, 660 ये सब रेंज में लेकर चला जाए। जी तो चलिए इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से देखिए आपको कि पीआर मिल में क्या करना है, क्योंकि 3 महीने के हिसाब से ही आपने पूछा है राजेश जी, तो 3 महीने में तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये लेवल्स जो हैं वो वर्कआउट कर जाएंगी। अगर इन केस जो इसका पिछला टॉप था उससे आगे निकलते हुए, और अभी बल्कि ये कहा जाए अभी हाल में ही जो इसने लगभग 775 के आसपास के लेवल्स देखे हैं ऊपर, वो पार हो जाते हैं, तब फिर क्या उम्मीद बनती है? देखिए, ये टेक्सटाइल एक्चुअली मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स है, चल नहीं रहा है वो भी एक अलग बात है, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये अब आप मुझे पूछेंगे तो लॉन्ग टर्म इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब वो जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उस पर डिफाइन करेंगे। और जब तक आप यही समझ के चलिए कि 690 पे अपना मार्कर लगाइए आराम से बैठे, वो नहीं हुआ तो अपसाइड को आप ओपन रखिए, और मे बी 1 महीने 2 महीने पे फिर इसको इवेल्युएट करते हैं क्लोजर टू रिजल्ट। जी फिलहाल तो 690 इसका ध्यान रख लीजिए और उसके हिसाब से फिर चीज़ें सब ठीक रहनी चाहिए, ये आशा लगती है।